हरामजादी, तू रानी कहलाने काबिल नहीं है। महाराज के आदेशानुसार तुझे इसे घनघोर जंगल में छोड़ दिया। अब मैं तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूं। भगवान, ये कैसा दिन दिखाया मेरे मालिक। कसम, मैं जिद ना करती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं क्या करूं मेरे मालिक, मैं क्या करूं मेरे। तकदीर हमारी ईश्वर ने तकदीर हमारी ईश्वर ने किस तौर बना कर छोड़ दिया। तकदीर हमारी तो उठाया नजरों से पहले, तो उठाया नजरों से फिर लाके जमीन पर छोड़ दिया। पहले ले तो उठाया नजरों से पहले, तो उठाया नजरों से फिर लाके जमीन पर छोड़ दिया। किसके सहारे रहूं, कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत करूं। मेरी जिद ने सितम इतना ढाया, मैं सोच फिकर सब भूल गई। अब कश्ती मेरी मझधारी फंसी, अब कश्ती मेरी मझधारी फंसी। अपनों ने ही मुँह को मोड़ लिया। कश्ती भी हमारी
इसी झीलम नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी, अन्यथा इस समाज को मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मेरी बात सुन, मरने से पहले और ठहरे जा, क्यों देखती है जान, ठहरे जा क्यों देखती है जान, मरण से तौर नहीं। हमल दिखाई पड़ रहा किसकी है तू बाम, मरण है इतना नहीं आसान, मरण से तोड़े बोल तू इस नदी झीला नदी में क्यों अपनी जान दे रही है। रोकिए नहीं मुझे श्रीमान, बाबा जी मुझे मत रोकिए, बाबा जी मत रोकिए नहीं मुझे श्रीमान, रोकिए नहीं मुझे श्रीमान, रोकिए नहीं मुझे श्रीमान, हार कर देती हूँ मैं जान, विराट नगर की रहने वाली चांद हमारा नाम, विराट नगर की रहने वाली चंद्रदेव की बाम, पटरानी मैं चांद हूँ यही मेरी पहचान, हार कर देती हूँ मैं जान, हार कर देती हूँ मैं जान, अक्ल में बाबा है राम, बाबा जी मैं इसी विराट नगर की रहने वाली हूँ, मेरे पति का नाम चंद्रदेव है, मेरा नाम चांद है। तुम्हारी दास्तां को सुन करके मैं सब समझ गया, तुम मेरी बात सुनो। अच्छा अच्छा समझ, अब मैं सब कुछ गया, अच्छा अच्छा समझ, अच्छा अच्छा समझ, अब मैं सब कुछ गया, चांद रानी नगर की महारानी हो आज
हत्या से बढ़े पाप दूदा नहीं चांद बीबी और तुम समझ गया महारानी जी कि तुम चांद बीबी की तरह झांसी की रानी की तरह हो। तुम महाराज चंद्रदेव की महारानी चांद हो ना। हाँ बाबा जी, लेकिन बाबा जी क्या बात, रो 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 मत रो बेटी। कि देश से जब निकाला मेरा हो गया, देश से जब निकाला मेरा हो गया, तब तो दुनिया में जीना ही बेकार है। कौन है देने वाला सहारा मेरा, कौन है पसी संसार में बेड़ा मझधार है। जब देश से निकाला हो गया तो मेरा कौन सहारा देगा। महारानी चांद हमारे मुल्क की छत्रालिया, आंखों से आंसू नहीं बहाती है। तुम एक छत्राली हो, अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई सहारा नहीं है तो घबराओ नहीं, तुम्हारा सहारा ये जयकाल है और ये सब त्रिभुवन तेलिया की खोपड़ी का कमाल है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी हालत देख करके तो जो कुछ है ही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अरे तुम्हारे गर्भ में कोई पल रहा महाराज। अरे इसके बारे में तो सोचो, इस तरह आत्महत्या कर लोगी, बस इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। क्यों? कोई रास्ता नहीं बचा है बाबा जी। मस्तक पर दाग लग गया है, मैं संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। मैं अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती। मैं इसी झीलम नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा सहारा मैं दूंगा और तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें अपने साथ रखूंगा और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें सहारा भी दूंगा और तुम्हारे गर्भ में जो औलाद पड़ रही है एक दिन में इसे चंद्रनगर का सम्राट बनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मर्दों पर से मेरा विश्वास उठ गया है, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। इतना तो मेरे ऊपर दाग लग चुका है, मैं उसी से दबी जा रही हूँ। मैं तेरे साथ और अपने माथे पर कलंक का टीका नहीं लगवाऊंगी, नहीं जाऊंगी तेरे साथ। इतना बड़ा चांद में दाग लग गया, कौन इतना बड़ा चांद में दाग लग गया कि मर्दों से सहारा उठ गया। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। मैंने अपने पति की बात न मानी और आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। काश अगर मैं जिद ना करती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसीलिए मैं इसी को इसी
झीलम नदी में अपनी जान दे। ठहरो, जान देने से पहले कुछ मेरी बातें सुन लो, उसके बाद झीलम नदी में तुम कूद करके मर जाना है। चल चल खोपड़ी काम तो दिखा दे, चल बेहोश हो जा। कह रहे थी साथ मर्दों के नहीं जाऊंगी, अब ये बेहोश हो गई, अब मैं इसी वक्त अपने दानवों को कालनाथ और प्रलयनाथ को बुलाता हूँ और इसी के द्वारा इसे यहाँ से उठा करके अपनी बंगाल की खाड़ी की गुफा में ले जाऊंगा। चल चल रे खोपड़ी काम तू दिखा दे, कालनाथ प्रलयनाथ को जल्दी से बुला दे। चल सोता हो तो जाग, बैठा हो तो भाग, मेरे शैतानों मेरे पास आ जाओ, मेरी किस्मत जाए जाग। काल महाकाल की विद्या इंद्रजाल की, दोनों शैतानों आओ चौकी हीरा लाल की, दोहाई कब्र को बचाए। कालनाथ और प्रलयनाथ, हम जानते हैं तुम दोनों बड़े खूंखार हो, छोटे छोटे बच्चों को काट काट कर फेंक देते हो। इसको उठाओ और हमारी गुफा पहुंचाओ, इधर से निकलाओ। महामंत्री कुमार सिंह जी महाराज, देवी ने वरदान दिया था कि इस विराट नगर राज की प्रजा को अकाल से बचाना है तो किसी का बल देना जरूरी है माँ के दरबार में। जी महाराज, इसलिए हम चाहते हैं कि इस राज दरबार में एक बिला रखवाइए, ऐलान करवा दीजिए कि जो शख्स विराट नगर या कहीं और का भी हो, जो शख्स बीड़ा उठाएगा माँ के दरबार में अपनी बलि देगा, इस राष्ट्र देश के लिए अपनी जान निछावर करेगा, उसका इस राज में बहुत बड़ा नाम होगा। जी महाराज, तो बीड़ा रखवाया जाए और ऐलान करवा दिया जाए। रामली, महाराज का आदेश है कि भरे रात दरबार शाही बीड़ा रखाया जाए और पूरे राज विराट नगर में ऐलान करवा दिया जाए कि जो कोई शख्स इस बीड़े को उठाएगा वो मां चंडी देवी के मंदिर में अपनी बल चढ़ाएगा, जो कि इस देश राष्ट्र के लिए हित का काम होगा, और उसे महाराज की तरफ से बहुत भारी सा इनाम दिया जाएगा। मतलब महाराज के आदेशानुसार बीड़ा रखा जाए और ये ऐलान करा किया जाए कि जो बीड़े को उठाएगा और राष्ट्र हित इस विराट नगर के लिए अपने प्राण देगा, माँ चंडी को खुश करने के लिए हाँ अपनी बलि देगा, तो उसका इस पूरे विराट नगर के पूरे सारे राष्ट्र में पूरे देश में नाम होगा कि विराट नगर के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हाँ। महाराज बीड़े का इंतजाम अभी किया जा रहा है, बीड़ा रखा जा रहा, और अब देखना है कि राष्ट्र हित इस विराट नगर के लिए कौन ऐसा इंसान है जो अपनी बलि चंडी माँ के मंदिर में देगा। हाँ रामली, और जब तक मनुष्य की बलि नहीं दी जाएगी तब तक यहाँ का अकाल भी नहीं खत्म होगा।
हाँ। और अगर अकाल न खत्म हो तो यहाँ भुखमरी फैल जाए महाराज। बिहारी लाल बीड़ा लेके आओ और भरे दरबार बीड़ा रखा जाए। ले आओ महाराज, ये बीड़ा आ गया है और इसे आप अपने शुभ हाथों से रखकर इंतजार करें, देखे कौन आता है इस बीड़े को उठाता है। और विराट नगर वासियों को सूचित कर दिया गया है और लगभग लोग यहां जानते भी हैं। हर अमृत चारों तरफ ऐलान करवा दिया गया है ना। अरे राज मखौ, जाने न जाने तू हूं तो ही रहा था। अरे हम तो रहते ही हैं। और इस बात का जानता कि जब तक माँ के मंदिर में बलि नहीं दी जाएगी मनुष्य की, तब तक यहाँ का अकाल खत्म नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर सूखा ही सूखा रहेगा। अरे तो प्रजा आपका भी सम्मान करती है, आपको भी सब लोग मानते हैं जानते हैं। मान लिया एक दिन मरेगा तो है ही, आज नहीं तो बिहार मौत तो निश्चित है। तो मान लियो मरत मरत यह मौत, यह जान या शरीर को होके काम मार जाए तो वैसे उन्नी का हो सकत है, है? अरे यहाँ काल अकाल खत्म करना है, आपों के नाम होए, अगर चाहो तो बीड़ा उठाओ और तुम बलि दे सकत हो। राम बलि महाराज, अफसोस की बात है कि सुबह से शाम होने को आई, हाँ, लेकिन इस बीड़े को अभी तक किसी ने उठाया नहीं। तीन पहर बीत गया महाराज। महाराज की जय हो। जय हो।